नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की बड़ी जीत हुई है। करीब एक साल तक चले किसान आंदोलन के बाद सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने यह ऐलान किया और कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। चलिए अब आपको बताते हैं इस पूरे आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। कृषि अध्यादेशों से कृषि कानूनों के बनने और आंदोलन के शुरू होने से लेकर सरकार के झुकने तक कब क्या क्या हुआ। पिछले साल कोरोना काल में 5 जून 2020 को सबसे पहले भारत सरकार ने तीन कृषि अध्यादेशों को राजपत्र में प्रकाशित किया। 14 सितंबर 2020 को संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही सरकार ने इस अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद में तीनों कृषि कानून विधेयकों को पेश किया। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में हंगामे के बीच तीनों बिल पारित हुए और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में भी तीनों बिल हंगामे के बीच बिना ध्वनि मत से पारित हुआ, जिसके बाद 24 सितंबर 2020 को पंजाब में किसानों ने 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू किया। 27 सितंबर 2020 को तीनों कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत किए। 25 नवंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दिया। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को अंबाला में पुलिस बलों का भारी विरोध झेलना पड़ा। 28 नवंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया और दिल्ली बॉर्डर छोड़कर बुराड़ी में आंदोलन स्थल बनाने को कहा। किसानों ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और जंतर मंतर पर विरोध करने की इजाजत मांगी। 3 दिसंबर 2020 को केंद्र और किसान संगठनों के बीच पहले राउंड की वार्ता हुई लेकिन विफल रही। 5 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों और सरकार के बीच दूसरी बार वार्ता भी विफल ही रही। 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। 9 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों ने कृषि कानूनों में संशोधन करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया और कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। 11 दिसंबर 2020 को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों और सरकार के बीच छठे राउंड की वार्ता हुई। 4 दिसंबर 2021 को सातवें राउंड की वार्ता भी बेनतीजा रही। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया और सभी पक्षों से बातचीत के बाद सुझावों की सिफारिश करने को कहा। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराया। 5 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में टूलकिट मामले में साइबर क्राइम एक्ट और देशद्रोह के तहत केस दर्ज किए। 14 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में 21 वर्षीय दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया, जिसे 23 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। 7 अगस्त 2021 को 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन में बैठक की और जंतर मंतर पर किसान संसद में पहुंचने का फैसला किया। इसमें राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए थे। 5 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत बुलाई। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। 18 अक्टूबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में रेल रोको आंदोलन किया, रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन किए। 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने, जिसके बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया।